कर देखनी थी, जितनी भी अलग अलग वैल्यूज हैं दे रखी हैं तीनों आ रही थी, उस पर आप रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालिए। तो हमने क्या करा है, मतलब ये V is equal to IR, देख लो आप, अगर जरूरत लगे तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, तब ये तो कर ही रखा होगा हम लोगों ने। V is equal to IR, तो मैं R निकालना चाहता हूँ, R is equal to V upon I, R is equal to V upon I। अब पांच अलग अलग केसेस दे रखे हैं, तो केस फर्स्ट, हाँ केस फर्स्ट, तो यहाँ पर V upon I, तो R is equal to V कितना दे रखा है, 0.85, 0.85, और I कितना है, 0.05। अब पॉइंट के बाद इधर भी दो डिजिट है, इधर भी दो डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 85 अपॉन 5 रह गया, तो 517 था, 17 ओम। केस सेकंड देखो, केस सेकंड में R इज इक्वल टू 1.70, 1.70 में 17.0 लगा देंगे, अपॉन 0.10, अब पॉइंट क्या है, इधर पॉइंट 10 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो और इधर भी 1.7 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, या आप ऐसा करें कि 1.70 है, 0.10 है, तो इधर भी पॉइंट के बाद में दो डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद दो डिजिट, पॉइंट से पॉइंट कट गया, फिर 0 से 0 कट गया, तो क्या आ रहा है, 17 हो, तो इस केस में भी रेसिस्टेंस 17 ओम आ रहा है। केस थर्ड, केस थर्ड में वोल्टेज है 3.5, तो 3.50 बोल दो, और करंट है 0.20, तो पॉइंट से पॉइंट उठ गया, इधर 0 से 0 कट गया, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 17.5, इसको भी मैं अप्रोक्सीमेटली 17 ओम लिख सकता हूँ, ठीक है, 17.5, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन इलेक्ट्रिसिटी में, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 17 ओम लिख सकते हैं। उसके बाद केस फोर देखिएगा, केस फोर, फोर्थ केस में पावर हो जाएगा 5/0.30, सर 16 से अप्रोच आया है कुछ, 5/0.30, 16, तो पॉइंट गया तो ऊपर 20 आ गए, 10 से 10 कट गया, ठीक है, तो ये हो गया 3/16 of 48, 50 - 48 कितना होता है, 16.6666 होता जाएगा, इसको भी अप्रोक्सीमेटली 17 ओम बोल दो, हाँ जी ऑनलाइन वाले बताएं यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ, फिर अगला केस देख लो, केस 5 देख लो, तो केस 5 में क्या दे रखा है, 6.8 और 0.4, और 17/68 होता है 17 इंच, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द
resistance of a conductor. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिस पर डिपेंड करता है. तो अब सबसे पहले लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर depends on the following factors. Depends on the following factors. First is length of the conductor. Resistance. Resistance is directly proportional to the length of a conductor. So R is directly proportional to L. इक्वेशन को बंद बोल देना इसमें. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इक्वेशन नंबर वन. ठीक है, उसके बाद सेकंड लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हैं कि अगर मेरे को कोई भी बिल्कुल सही बात है, अगर मान लीजिए मेरे को कोई भी वायर दे रखा है और उस वायर की लेंथ को मैं बढ़ा देता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि उसका रेसिस्टेंस बढ़ गया, और वायर की लेंथ को अगर मैं घटा देता हूँ, कंप्रेस कर देता हूँ, तो मैं बोलूँगा रेसिस्टेंस कम हो गया. अगर वायर की लेंथ बढ़ा दी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ गया, वायर की लेंथ घटा दी तो रेसिस्टेंस भी कम हो गया. ये हो गया. अब उसके बाद सेकंड लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. Resistance is inversely proportional to the area of cross section area of cross section of the conductor. R is directly proportional to 1 upon A. अगर directly proportional to 1 upon A लिख लेते हैं तो इसका मतलब ही inversely proportional होता है कि अगर आप conductor का area बढ़ाओगे तो resistance कम हो जाएगा, area घटाओगे तो resistance बढ़ जाएगा. ठीक है, third factor लिखें नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ द कंडक्टर. Thank you.
इसमें लिखा है रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड. Resistance depends on the nature of material of the conductor of which it is made. Of which it is made. Full stop. Example. If we take two similar wires of equal length and area of cross section. Of equal lengths and area of cross sections. If we take two similar wires having of equal lengths and area of cross section of copper and nichrome alloy. कॉपर एंड निक्रोम निक्रोम अलॉय होता है. अलॉय होता है इसमें निक्रोम का मतलब है निकल और क्रोमियम दोनों को मिक्स करके अलॉय बनाया जाता है जिसके जिसके हाँ एलिमेंट नहीं अलॉय अलॉय जो है मिक्सचर होता है अलॉय मिक्सचर होता है तो ये यूज करा जाता है जैसे अलॉय व्हील्स वगैरह बनाने में वहाँ यूज करा जाता है. मतलब कभी भी कुछ कुछ कॉम्पोजिशन ऐसे होते हैं जैसे कॉपर एक अलग मेटल है जिंक एक अलग मेटल है अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए कॉपर और जिंक तो कॉपर जिंक के ऐड करने से बड़ा मजबूत एक अलॉय तैयार हो जाता है अलॉय व्हील्स में यूज होता है. और उसमें खास चीज़ क्या होती है अलॉय बनाने का फायदा ये होता है पहली चीज़ तो ये है कि टूटता नहीं है. दूसरा फायदा उसका ये होता है कि जैसे अगर हम किसी भी मेटल की बात करते हैं आपने फ्रेशली कट पीस लिया है कॉपर का तो कॉपर थोड़े थोड़े दिनों बाद में रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है
अगर आपने आयरन का भी फ्रेशली कट पीस लिया तो वो भी अगर पॉलिश वगैरह ना करी जाए वो भी थोड़े टाइम बाद वो सर आप म्यूटेड हो अच्छा वो थोड़े टाइम बाद जो है वो ग्रे कलर का हो जाता है। तो अब क्या है कि जब हम अलॉय की बात करते हैं तो अलॉय में ये चीज़ होती है कि इसमें रस्टिंग भी नहीं होती, तो इसीलिए जो ज़्यादा महंगी कार्स होती हैं ज़्यादा महंगी बाइक्स होती हैं तो उसमें लोग प्रेफर करते हैं कि अलॉय व्हील्स लगवाएं। तो अलॉय व्हील्स से फ़ायदा ये होता है कि आप उसको मड़ी कंडीशंस में या कितनी भी धूल मिट्टी में कैसी भी कंडीशंस में आप उसको चलाएं उसके जो टायर्स हैं ख़राब नहीं होते, ठीक है ना। तो अब बात यहाँ पर करते हैं रेसिस्टेंस की। तो रेसिस्टेंस में ये होता है कि ये नेचर ऑफ मटीरियल पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ द कंडक्टर ऑफ विच इट इज़ मेड। तो ये जो है नेचर ऑफ मटीरियल पर कैसे डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए हमने कहा कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कोई वायर है, तो अगर उसकी लेंथ हमने बढ़ा दी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। लेंथ हमने घटा दी तो रेसिस्टेंस भी घट जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ रेसिस्टेंस घटा दिया तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अब मैंने ये कहा कि मैंने कोई दो वायर के टुकड़े ले लिए, यानी कि दो मैंने कंडक्टर्स ले लिए। अब उन दो कंडक्टर्स में हमने क्या करा, ये दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम, पूरी तरीके से सेम, तो फिर किसका रेसिस्टेंस कम। क्रॉस सेक्शन का मतलब अभी समझा रहा हूँ। तो अगर दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और दोनों की लेंथ अगर पूरी तरह से सेम है तो फिर किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा किसका रेसिस्टेंस कम, ये डिपेंड करेगा मटीरियल पर। तो हम ये कहेंगे कि अगर हमने दोनों अलग अलग वायर्स ली हैं, एक कॉपर की एक निक्रोम की, लेकिन दोनों की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो हम ये कहेंगे निक्रोम निक्रोम्स रेसिस्टेंस ज़्यादा। सिक्सटी टाइम्स मोर देन कॉपर। तो क्या होता है कि अब मैं पहले तो आपको बात करता हूँ लेंथ की और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। तो मान लीजिए अगर कोई भी वायर है, अगर वायर को हम मतलब देखते जाएं, वायर को देखें थोड़ा सा मोटा करते चले जाएं वायर को, अगर मान लीजिए मैं इस वायर की बात कर रहा हूँ, तो इस वायर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये वायर काफ़ी पतला है, ये वायर काफ़ी पतला है, लेकिन अगर आप इसको गौर से इस पर हाथ घुमाएंगे ना तो आपको एक कर्व्ड इसकी सर्फेस नज़र आएगी, आपको इसकी सर्फेस कर्व्ड नज़र आएगी, फ्लैट तो नहीं है। जैसे सेलो टेप होती है पतली सी फ्लैट होती है, फ्लैट तो नहीं है। सेलो टेप की अगर आपने एक स्ट्रिप काट कर चिपका दी तो आपको उसकी शेप कैसी दिखाई देगी, रेक्टेंगल जैसी, भाई सेलो टेप होती है, आपने उसकी एक स्ट्रिप इतनी स्ट्रिप आपने काट दी, काट कर आपने चिपका दी तो आपको ऊपर से कैसी दिखाई देगी, जैसे कि एक रेक्टेंगल है, लेंथ होती है और थोड़ी सी उसकी ब्रेथ भी होती है। ऐसे ही अगर मैं इस वायर की बात करूँ, इस वायर को आप थोड़ा मोटा कर दो और मोटा कर दो और मोटा कर दो तो लगभग वायर कुछ ऐसे ही दिखाई देगा जैसे कि पेन, जैसे ये पेन। तो ये पेन किस शेप का है, सिलेंडर की शेप का। सिलेंडर में क्या ऐसी चीज़ होती है, सिलेंडर में एक तरफ तो चीज़ की होती है लेंथ, वो जो फिगर है उसकी लेंथ होगी और एक तरफ होगा उसका रेडियस, रेडियस होगा। अगर सिलेंडर की बात करें तो ऊपर से सर्कल नीचे से सर्कल और यहाँ से एक लंबी लेंथ, ऐसा ही होता है। इतनी टेंशन मतलब बहुत आसान चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि हमने वायर को ही थोड़ा 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 मैग्नीफाई करके हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वायर की कुछ लेंथ होगी, लेंथ ये तो लेंथ हो गई उसकी एल, और ये जो इसका फेस दिखाई दे रहा है ये कैसा है, ये सर्कल के जैसा है। तो इसका जो एरिया होगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल ए, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होता है, समझ गए। जैसे ये पर्दे की रॉड लगी हुई है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इसकी लेंथ हो गई, लेकिन अगर मैं इस कोने पर देखूँ तो इस कोने पर एक सर्कल नजर आता है, उस सर्कल का एरिया, उस छोटे से सर्कल का एरिया, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे बढ़ेगा कि आपने रेडियस बढ़ा दिया उसका, सर्कुलर पोर्शन का रेडियस आप बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब वायर को जितना आप चौड़ा करते चले जाओगे, जितना आप चौड़ा करते चले जाओगे उसका रेसिस्टेंस कम होता चला जाएगा। चौड़ा करने का मतलब क्या है कि उसका आप एरिया बढ़ा रहे हैं, तो जितना वायर का एरिया बढ़ाएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे, उतना वायर का रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। समझ गए भी? तुम भी? सर, एक बार और टॉपिक समझा दीजिए। कौन सी वाली चीज?
नेचर ऑफ मटेरियल। हाँ नेचर ऑफ मटेरियल ये ऐसा है कि अगर किसी भी दो वायर है हमारे पास, एक कॉपर का है, ठीक है, कहाँ लिखा है कॉपर, मुझे लगा देख लिया तुमने, इधर इधर कॉपर लिखा है, 100% कॉपर लिखा है सामने, 100% कॉपर गारंटी, ठीक है। अभी आते हैं इस चीज पर, सर हम क्लास पे फोकस कर रहे हैं, इसी पे फोकस कर रहे हैं, अरे बेवकूफ हूं से क्या इसी पर बात कर, मेरा इतना टाइम हो गया तुम बात को ना अभी तक समझे ही नहीं। चलो जब तक हम डेली लाइफ में से कुछ एग्जांपल लेकर समझेंगे नहीं, चीज आगे समझ में कैसे आएगी, इसी पाई थोड़े, अरे बेवकूफ हूं, कभी खुला हुआ देखा है इसी, नहीं नहीं देखा, तो कभी खुला हुआ देखना। अभी मैं आगे बताता हूँ मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, देखिएगा सुनिए जरा, मटेरियल पर आ जाते हैं, मटेरियल सुनिएगा, कॉपर और निक्रोम। हमने यहाँ पर लिखा कि निक्रोम का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तुमने कहा फिर उसका फायदा ही क्या हुआ, वही तो है ना, बात तो सही है, फिर उसका फायदा ही क्या हुआ, इसको क्यों डांस करा रहे हो चेयर पर, आराम से बैठ डांस मंकी, फिर हो गया, बताओ हो गया, अब सुनो जरा। तो ऐसा होता है कि हमें रेसिस्टेंस ज़्यादा का फायदा भी होता है, रेसिस्टेंस ज़्यादा का नुकसान भी होता है, किसी जगह फ़ायदा किसी जगह नुकसान। अब बात सुनिएगा क्या कह रहा था मैं, जब हम बात करेंगे कि हमने दो वायर ले ली, उसका लेंथ भी सेम है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो मैं लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को देख कर बता नहीं सकता कि किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा किसका रेसिस्टेंस कम होगा। तो अब हमें मटीरियल की बात करनी पड़ेगी, अगर मटीरियल अलग अलग है तो अलग अलग मटीरियल का अलग अलग रेसिस्टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एल्यूमिनियम की वायर लेंगे तो उसका रेसिस्टेंस कुछ और होगा, कॉपर की वायर लेंगे तो उसका रेसिस्टेंस कुछ और होगा, गोल्ड का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा। आप सुनिएगा कि जैसे हम सड़क पर जाते हैं, वो सड़क पर क्या होता है, सड़क के किनारे किनारे आप देखते जाना, सड़क के किनारे किनारे बिजली के खंभे लगे रहते हैं, ठीक है, बिजली के खंभे, इलेक्ट्रिक पोल्स, ठीक है, उसमें से जो वायर जा रही होती हैं, उन वायर्स को अगर आप गौर से देखोगे तो वायर जो है वो चमचमाती हुई सिल्वर कलर की होती है, ठीक है, हालांकि उतनी दूर तक नज़र जाती नहीं है, पर चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, वो सिल्वर सिल्वर वाला उसका कलर होता है, वो एक्चुअली एल्यूमिनियम की बनाई जाती है वायर्स, ठीक है। अच्छा, अब एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बैड कंडक्टर मतलब होता तो है कंडक्टर, कंडक्शन तो करता है लेकिन उतनी अच्छी नहीं करता, अगर कॉपर लगा दी जाए तो बहुत ज़बरदस्त कंडक्शन करेगा। आप देखो वो गाना भी सुना होगा 440 वोल्ट का झटका, है ना, नहीं सुना, अच्छा चलिए ठीक है। तो 440 वोल्ट जो है, अगर आप कभी किसी बड़े ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो उस पर लिखा रहेगा 440 वोल्ट, ठीक है, और ये मेरे कैमरे का यहाँ पर ये रखा हुआ है, इस पर मैं आपको दिखाऊँ, अरे देखो इधर इधर अरे इधर आओ ना, ये देखो ये क्या लिखा है, 100 से 240 वोल्ट, ठीक है, बैठ जाओ जरा। तो 100 से 240 वोल्ट लिखा हुआ है कि भैया 100 वोल्ट से 240 वोल्ट की मेरे को वोल्टेज मिलती रहेगी तो मैं इस कैमरा को चार्ज करता रहूँगा, ये इस कैमरा के चार्जर पर लिखा हुआ है, ठीक है। और पता है जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स हैं वहाँ से कितनी वोल्टेज सप्लाई करी जाती है, 440 वोल्ट, और उस पर लिखा रहता है 440 वोल्ट डेंजर खतरा, ये लिखा रहता है। तो आप ये देखिए वो जो 440 वोल्ट है वो पहुँचते घर तक आते आते 220 ही रह जाता है, तो इतना लॉस हो रहा है। तो तभी फिर सरकारों को कदम उठाने चाहिए कि यार ये एल्यूमिनियम के वायर हटाओ, ये फालतू में ना इतना हमारा, हाँ क्या क्या क्या, अरे 150 वाट, तो वाट में बाद में आऊँगा, वाट इज पावर, अभी मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 440 वोल्ट सुन लीजिए जरा, 440 वोल्ट की सप्लाई भेजी जाती है घरों तक आते 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 आते, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा है एल्यूमिनियम वायर का, वो खुद ही खा जाता है सारा का सारा वोल्टेज, खुद ही खा जाता है, तो बाकी हमारे घरों तक इतना डिलीवर करता है। अब प्रॉब्लम ये आई कि बड़े बड़े देशों की जो पहले पहले डेवलप्ड नेशंस थे, है ना, तो आज हम डेवलपिंग नेशन हैं, लेकिन कभी जो हम अमेरिका की या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो वो भी कभी डेवलपिंग थे, फिर धीरे धीरे डेवलप्ड हुए, तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर पहले ज़्यादा यूज़ में आती थी, हमारे यहाँ पर लालटेन जलती थी। तो अब आप ये देखिएगा कि वहाँ पर ये प्रॉब्लम देखी गई है कि सबसे अच्छा कंडक्टर तो गोल्ड होता है, अब अगर गोल्ड के वायर लगाने लगे, है ना, गोल्ड के अगर वायर लगाने लगे तो कंट्री का दिवालिया निकल जाएगा, गोल्ड ही कम पड़ जाएगा, तो गोल्ड तो नहीं लगा सकते, गोल्ड सबसे टॉप का कंडक्टर होता है, बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है। इसीलिए जब किसी पेशेंट को
एमआरआई के लिए भेजा जाता है या एक्सरे के लिए भेजा जाता है, बेटा ये गोल्ड की चेन उतार के बाहर रख दे, नहीं तो चिपक जाएगा, ठीक है ना, पता चला वहाँ पर जो है करंट ही लग गया उसको। तो इस वजह से गोल्ड वगैरह की ये चेन्स उतार दी जाती हैं, अगर कानों में कुछ झुमके उमके पहने वो भी उतार दिए जाते हैं जब एक्सरे या एमआरआई वगैरह कराए जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, फिर आते हैं कि नहीं नहीं गोल्ड तो यार बड़ा महंगा है, थोड़ा कम सिल्वर, सिल्वर भी अच्छा खासा महंगा है, तो सिल्वर भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। फिर आ जाओ कॉपर, कॉपर भी बहुत महंगा है, तो कॉपर लगा लिया गया लेकिन फिर भी। तो रात में क्या हुआ, रात में कुछ समझदार लोगों ने इधर की और उधर की वायर काट दी और वायर काट के लपेट के चुरा कर ले गए, उसको बेच दिया। ठीक है, तो अब क्या प्रॉब्लम हुई, गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ऐसे तो हम कॉपर की वायर लगाते रहेंगे, लोग चुराते रहेंगे, इट्स बेटर, वो जो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो रहा है वो उतना बड़ा लॉस नहीं होगा जितना बड़ा ये लॉस हो जाएगा। क्योंकि कॉपर भी अच्छा खासा महंगा मेटल होता है। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि गोल्ड अफोर्डेबल नहीं है, सिल्वर भी अफोर्डेबल नहीं है, अगर पूरे पूरे देश की बात करी जाए कि मुझे लाइनें बिछानी है, ठीक है, तो कॉपर अफोर्डेबल है, कॉपर करा जा सकता है, लेकिन इतना महंगा है, इतना महंगा है कि लोग चोरी कर करके ले जाएंगे, वहाँ भी दिक्कत हो जाती है। तो आप कभी भी देखें कि घर में जब आप अपने घर में जब आप कभी भी कोई इक्विपमेंट लेकर आते हैं ना, तो आप ये देखते हैं उस पर कॉपर लिखा हुआ है या नहीं। ठीक है, अब आपने ये देखा होगा कि कई ACs ऐसे होते हैं जो 3 स्टार हैं, 4 स्टार हैं, 5 स्टार हैं, तो 3 स्टार वाले AC देखेंगे तो जब आप लेने जाएंगे 3 स्टार वाला, भाई साहब ये दिक्कत तो कुछ नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोगों ने वैसे ही कॉपर का हुआ बना रखा है, और वो फालतू में 50,000 का आएगा वो 5 स्टार वाला, ये वाला 40,000 का, यही ले जाओ, वो ले गए, अगला बंदा पागल हो जाता है बिजली का बिल भर भर के जब उसके यहाँ पर एल्यूमिनियम कॉइल वाला जब वो AC लगवाता है। तो एल्यूमिनियम कॉइल का मतलब क्या है कि वो जो कॉइल है, कॉइल का मतलब बेटा कुछ नई चीज़ नहीं है, वायर को ही ट्विस्ट कर करके कर लगा रखा है उसके फैन के अंदर, दूसरा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर भी आपके सिलेबस में, वो भी पढ़ाते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि इसके अंदर कॉइल लगी हुई है और कॉपर की कॉइल लगी हुई है, तो कॉपर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का आफ्टर गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो अगर आप कॉपर वाला AC लेते हैं तो उसकी लाइफ भी ज़्यादा है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी उसका कम होता है, तो इनिशियली उसकी कॉस्ट जरूर ज़्यादा होती है। ठीक है, और चोरी का खतरा घर के अंदर तो है नहीं, घर में कोई अंदर से ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ अलॉय पर कि अलॉय का फिर क्या फ़ायदा हुआ, सुनो भाई अलॉय का क्या फ़ायदा हुआ, रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको रोकना, रेसिस्टेंस का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, उसको रोकना। तो जो अलॉय है, अलॉय कहाँ पर यूज़ होगा, अलॉय वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ हम चाहते हैं कि रेसिस्टेंस मतलब करंट रुके। तो करंट हम कहाँ चाहते हैं, जब सर्दियाँ आ जाती हैं हम ये चाहते हैं कि करंट रुके। तो अगर कोई भी ऐसा कंडक्टर है या कोई भी ऐसा मटेरियल है जो करंट को रोक दे एक ही जगह, फ्लो ना करने दे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की तो प्रॉपर्टी है, वो तो टक 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 आपस में टक्कर लगती रहेगी, भाई मेरे को फ्लो होना है, फ्लो करना है, फ्लो करना है। ठीक है, और एक मटेरियल ऐसा है जैसे कि निक्रोम अलॉय, उनको कह रहा नहीं बेटा मेरी प्रॉपर्टी ऐसी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो वो तो कह रहा है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा रहे हैं, उनको बोलते हैं इंटर एटॉमिक कोलिजन्स। तो उनके अंदर इंटर एटॉमिक कोलिजन इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है, वो जाना चाहते हैं और वो उनको आगे जाने नहीं देता, तो एग्जैक्टली हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे ही टकराव होता जाएगा हीट प्रोड्यूस होगी, एंड दैट इज़ द सेम कंसेप्ट यूज्ड इन गीजर्स। ठीक है, रूम हीटर्स, हाँ, किसी ना किसी फॉर्म में तो निकलेगी, वो किसी ना किसी फॉर्म में निकलेगी, तो वो फॉर्म कौन सी होती है, जब आप उनको वो बार बार टकरा रहे हैं, ठीक है, वो निकलना चाह रहे हैं, लेकिन आपका मटेरियल ऐसा है, आपने अलॉय का बना रखा है, तो आपका मटेरियल ऐसा है कि वो मटेरियल उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा, तो जब वो इंटर एटॉमिक कोलिजन बढ़ता जाएगा तो वो निकल पाएंगे नहीं, तो अल्टीमेटली हीट जनरेट होने लगेगी, ताली बजाते जाओ बार बार, थोड़ी देर तक बजाओगे, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा यार हाथों में जलन होने लगी, कितनी देर तक ताली बजाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी कभी कोलिजन होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो अलॉय का अलग यूज़ है, अलॉय का यूज़ ये है जहाँ पर भी हमको इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर, टोस्टर, ठीक है, इन सब चीज़ों में अलॉयज का यूज़ होता है, और जहाँ पर हमको अच्छे फ्लो की ज़रूरत होती है जैसे कि AC हो गया, फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, वहाँ पर कॉपर। ठीक है, तो ये तीसरा होगा इसका जो है नेचर ऑफ मटीरियल पर ही डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एक और है, बताओ क्या हो सकता है, बोलो।
आगे ना आप इसमें ये भी पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, हालांकि सारे एक्सपेरिमेंट हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। जब कभी घर में कोई नया पंखा लगता है तो पंखे की ना दो वायर होती हैं, तो हमको दिखाई नहीं देगी वो कहाँ जा रही है, वो दीवार के अंदर अंडरग्राउंड पाइपिंग हो रखी है और उसके थ्रू वो वायर जाती है। तो पंखे की जो वायर होती है उनको ना पहले इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, लगा कर चेक करके देखता है। तो अरे सुनो तो सही, जब आप लेटते हैं और ऊपर पंखे को देखते हैं तो पंखा किस डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज? एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है। ठीक है, तो अपने घरों के पंखे भी चेक कर लेना आज, एंटी क्लॉक वाइज नहीं समझे? समझ गए सर, पता है जिस डायरेक्शन क्लॉक घूमते है उसका उल्टा। तो अगर आप ऐसे लेटेंगे और आप सोचेंगे कि घड़ी कैसे घूमती है, तो भाई घड़ी तो ऐसे ऐसे घूमती है और ये कैसे घूम रहा है, ये उल्टा उल्टा घूम रहा है, तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिशियन सबसे पहले चेक करता है पंखा लगाने से पहले, दोनों वायर लगा कर देखेगा, हाँ अच्छा क्लॉक वाइज नहीं घूम रहा है, क्लॉक वाइज घूम रहा है। तो क्लॉक वाइज अगर ये घूमने लगेगा तो क्या होगा, ये हवा ऊपर फेंकेगा। ठीक है, हवा ऊपर फेंकेगा, अगर यही उल्टा घूमने लगेगा तो ये हवा ऊपर फेंकेगा। तो जितने भी छत पे हवा क्यों चाहिए, मतलब जैसे वो विंड वाले जो इंजन होते हैं तो वो तो क्लॉकवाइज घूमते होंगे पीछे फेंकने के लिए, वो डिपेंड करता है ना किस डायरेक्शन में फेंकना। ठीक है, अब आप ये समझिएगा कि ये जो है ये कॉन्सेप्ट, अगर कोई ऐसी डिवाइस आए कि एक बार इसको क्लॉकवाइज घुमा दे, एक बार इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, क्लॉकवाइज वॉशिंग मशीन में, यही एग्जांपल आपको देने वाला था, ये वॉशिंग मशीन में एक ऐसी मोटर लगाई जाती है जो एक एक मिनट या एक या कुछ कुछ सेकंड, पाँच पाँच सेकंड्स के अंतर में क्या करे कि उसका डायरेक्शन चेंज कर दे, मोटर का डायरेक्शन चेंज कर दे। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर करेंगे। तो उसमें क्या होता है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, इस तरह से। अच्छा, वो ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पर भी करके देख सकते हैं। अगर घर में कोई खुला हुआ पंखा रखा हो तो उसके वायर एक बार ऐसे लगा कर देखना, तो वो ऐसे घूमेगा, फिर वायर्स को पलट कर लगा कर देखना, उसके डायरेक्शन बदल जाएगा। करंट लगेगा, करंट आपको क्या लगेगा भाई? एक जगह को बोल देना कि भाई तू पंखा पकड़ के खड़ा हो विदाउट ब्लेड्स, पंखे का सिर्फ ड्रम होना चाहिए, ये नहीं कि ब्लेड भी लगे हुए, ब्लेड मतलब ये पता चला। हाँ ठीक है, तो देख लेना, तो बाहुबली का जो रथ था वो उसका जो फैन था उसमें जो मोटर लगी हुई थी वो क्लॉकवाइज घूम रहा था या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था? तो वो तो मोटर का लगी थी, तो मस्कुलर पावर थी भाई, वो मोटर भी तो जुड़ी हुई थी ना उनके व्हील से। चलो छोड़ो, अरे वो जो उसका बड़ा भाई लेकर आता है मारने के लिए, वो तो बहुत सही चीज है, वही तो सर, वो मुझे क्लॉकवाइज का ध्यान है, चलिए जी नोट कीजिए इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर। मैं भी नहीं रही याद है इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर, the resistance of all pure metals, what is it, the resistance to temperature se to mere hisab se to cross section badhega ghatega hi hoga kya hoga aur dekhte hain note karo kare the resistance of all pure metals increases when raising the temperature decreases on raising the temperature and decreases on lowering the temperature. And decreases on lowering the temperature. तो ये चार हैं हमारे पास फैक्टर्स जिन पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके बाद अब आप लिखेंगे नेक्स्ट
कंबाइनिंग या फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू. मतलब ये देखा गया कि रेसिस्टेंस, मतलब अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और टेम्परेचर घटा देते हैं तो रेसिस्टेंस भी कम हो जाता है. R is directly proportional to L upon A. मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया तो R is directly proportional to L upon A. ये हो गया. प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाएं तो वो डालना पड़ेगा कॉन्स्टेंट. R is equal to, यहाँ पर लेना एक ना ऐसे देख लो ऐसे, ठीक है रो. अच्छा रो वो उसमें वाला था, कौन सा था वो, डेंसिटी उसका दे वो वाटर वाले चैप्टर, वो वाटर ये ऐसे ना ये तैर के दिखा रहा था कि ऐसे ऐसे वाला तो नहीं, वो चैप्टर था कौन सा था, हां ग्रेविटेशन में था जो, कौन सा ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन में था उसी में, तो आपने वो वाली चीजें करी थी ना सारी, ये बॉयंसी आर्किमिडीज, हां वही वही उसी length of the conductor or a area of cross section rho l upon a. क्या ग्रेविटी समझ गए, rho l upon a लिखिएगा भैया, ये थोड़ा साइन हो देगा. हां पता नहीं सब लोग इसको ऐसे बनाते हैं, बुक में ऐसे दे रखा है, ऐसे वी टाइप था सर, इस तरीके से दे रखा है, क्यू क्यू जैसा लग रहा है, ये सब का भी सीधा भी है, जैसे समझ लीजिए कि एक सांप बना हुआ है वैसे डराने के लिए, ठीक है. चलो अभी एक्चुअली क्या है ना कि उसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये पी तो नहीं लिखा हुआ कहीं, इस तरीके से लिखा जाता है. तो जनरली जो लिखते हैं आप स्कूल में भी देखेंगे, आपके टीचर ना इसको हल्का सा नीचे से ऐसे घुमा देंगे, है ना. अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कोई भी बच्चा है, आप लिखते हैं मैं लिखता हूँ, तो हम स्मॉल ए को ऐसा लिखते हैं, लेकिन आप बुक देखेंगे तो बुक में स्मॉल ए ऐसे लिखा जाता है, ऐसे इस तरह से लिखते हैं ना स्मॉल ए को, नहीं गलत कह रहा हूँ, कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरीके से लिखते हैं स्मॉल ए को, ठीक है ना, हम ऐसे लिखते हैं. तो वो थोड़ा बहुत कुछ अंतर चलता है. नोट कीजिए, वेयर द कॉन्स्टेंट रो where the constant rho is called resistivity. So ye kya baat hai, yahan pe density tha yahan pe resistivity ki baat hai. Where the constant rho is called resistivity of the conductor. Sir rho ka matlab ye ek symbol hai, symbol density ka, डेंसिटी का भी रो ही है सिंबल, ठीक है. अच्छा इट्स यूनिट इज, अच्छा एंड रो इज इक्वल टू, रो क्या हो जाएगा अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो आर इंटू ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल हो जाएगा, समझे. मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो आर ए अपॉन एल रो एल ये हो जाएगा, तो रो क्या हो जाएगा, एल को इधर ले जाएंगे, आर ए अपॉन एल हो गया ना, इज इक्वल टू रो. बताओ समझ गए. अब अगर इसकी एसआई यूनिट देखनी है तो एसआई यूनिट कैसे निकलेगी, ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस की यूनिट ओम है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, नीचे लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, तो एक मीटर से एक मीटर कट गया तो क्या बचा ऊपर, ओम मीटर, ठीक है. देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर. रेसिस्टिविटी क्या हो गया, रेसिस्टिविटी ना एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है. हम अगर ये कह रहे हैं कि ना तो ये लेंथ पर डिपेंड करेगा ना ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा, रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगा, तो रेसिस्टिविटी एक कांस्टेंट टर्म है, ये किसी भी मटेरियल पर डिपेंड करेगा. कैसे,
अगर मैं कॉपर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लूँ तो उसकी जो रेसिस्टिविटी होगी, कॉपर का बहुत बड़ा टुकड़ा ले लूँ वो दोनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ना लेंथ पर डिपेंड करता है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कम और ज़्यादा इस तरीके से होगा कि एक्सपेरिमेंटली अगर आप ये देखें कि मैं किसी भी, मेरे पास कोई वायर है या कोई भी एक रॉड है, मेटल की रॉड है, अगर मैं उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, हल्की सी लेंथ बढ़ जाती है उसकी। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हल्का सा एक्सपेंड नहीं होती कोई भी चीज़, तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो लेंथ में जो चेंज है वो रिमार्केबल है, वो दिखाई देगा, हालांकि थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा उसका एरिया भी बढ़ेगा, लेकिन एरिया को बढ़ने में टाइम लगता है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इसलिए ये कह दिया गया कि टेम्परेचर बढ़ाएं बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ बढ़ाता हूं रेसिस्टेंस। तो केबल जैसे जाती है, तो कौन सा सर, जैसे दो केबल्स जाती हैं तो उसके बीच में और ऐसे लाइक परपेंडिकुलर केबल लगा रखी होती है। अच्छा अच्छा, वो दूसरी चीज है, वो बताता हूं जी। हेलो जी, नमस्कार। जैसे ये दो है तो इसके बीच में केबल होते हैं, मैं कॉल कर रहा हूं। ठीक है ठीक है। ये हो गया ओम मीटर। इसके बाद एक पॉइंट लिखेंगे, बस आपस में तो लगेंगे। जो वायर जाती है ना, पहले ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब लास्ट में वो चीज़ समझ में आएगी। वो वायर नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती, वायर होती है लाइव और न्यूट्रल, और लाइव और न्यूट्रल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना जरूरी है। अगर उनको चिपका दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस आप इंस्टेंटली जीरो कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, वो ब्लास्ट ही होगा ऐसे में। उस ब्लास्ट को अवॉइड करने के लिए बीच में गैप लगाया जाता है। मैं उस पर आऊँगा, टच ना हो, टच ना हो, बताऊँगा उसको। नोट करके लिखें, द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन its length or thickness, does not depend on length or thickness। समझ गए ना, thickness का मतलब क्या है, उसका area of cross section। किसी का area of cross section बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसकी thickness, उस वायर की मोटाई बढ़ती जा रही है। तो length और thickness it depends on the nature of the substance। Nature of the substance and temperature, इस पर depend करता है resistivity। -6
मीटर स्क्वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 इनटू 10 की पावर माइनस 2 ओम्स स्टॉप कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर तो कॉपर वायर की लेंथ दे रखी 2 मीटर तो एल कितना है 2 मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कैपिटल ए 1.7 * 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 * 10 की पावर माइनस 2 ओम्स कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर रेजिस्टिविटी का फार्मूला आर ए अपॉन आर और L कितना है 2 मीटर उसे टू करके क्या बचा 1.7 इनटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर हां 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर ये हो गया इसका रेजिस्टेंस बताइए क्लियर चलिए ठीक है जी आज इतना ही कर लीजिए और बाकी मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा ट्राई करना रेसिस्टिविटी वाले मैथ्स में नहीं मैथ्स में कल थोड़ा सा हम करवाएंगे एलसीएम वाले कुछ एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स करवाएंगे और एक टर्मिनेटिंग नंबर वाले तो वो करवा कर और फिर मैं पॉलिटिकल करवा दूंगा स्टार्ट हाँ अच्छा अच्छा ठीक है मैं भी करूँगा